बहुत बड़ी खुशखबरी तमाम रामबाग के रहने वालों के लिए, श्रीनगर के जितने भी आम शहरी हैं उनके लिए खुशखबरी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो रूट आप देख रहे हैं रामबाग से नटीपुरा तक जो ये रूट आता है, जहां पे हमेशा जैम वगैरह होता था, सरदर्द एक रहता था, मगर अब नई रोड एक जो है तश्कील दी गई है, यानी कि एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो थी वो पूरी की गई है ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर की जानिब से। जितना भी ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर का अमला है वो बाकायदा तौर पर यहाँ पे नजरोसाज कर रहा है, और जो नया रूट बनाया हुआ है ये देख सकते हैं आप, तो ये नया रूट जो है घोषित किया गया है, जिसमें लोगों को एक राहत की सांस जो है वो मिल सकती है। और यहाँ से जो है जो छानापुरा वगैरह से सफ़र करते हैं आते हैं उन्हें ये रूट इख्तियार कर रहे हैं, यानी कि एक सिंगल लाइन जो है वो बनाई गई है रामबाग से नटीपुरा तक। वो जो गाड़ियां हैं जो वहां से आएंगी छानापुरा से, उन्हें ये रूट इख्तियार करना है, और इसी के साथ साथ जो वहां से सिंगल पर्ल लाइन आएगी उन्हें यहां से जाना होगा। यानी कि एक बहुत बड़ा काम जो है इस वक्त अंजाम दिया गया है इंतजामिया द्वारा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा, और एक रूट घोषित किया गया है जिसमें लोगों का जो सरदर्द हमेशा रहता था अब वो सरदर्द नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा हम देखते थे इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा जैम वगैरह लगता था और जैम से बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान होते थे। खासकर बात करें तो ये सड़क हमेशा जो है सरदर्द वाली रहती थी, क्योंकि जितने भी आम शहरी हैं उन्हें दिक्कत का सामना जो है करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा लोग सफ़र करते थे, 20-20, 30-30 मिनट तक जो है जैम में फंसते थे। मगर आप सारे रुक कर जो है ट्रैफिक पुलिस को बधाइयाँ दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से काम किया है और ये नया रूट बनाया है उसमें काफी तर जो है लोगों को आसानी मिलेगी। फिलहाल आपको बता दूं कि ये रूट आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से क्रॉस कर रहे हैं। इस वक्त ये जो सड़क निकाली गई है, यानी कि ये नया रूट जो है घोषित किया गया है, नया रूट बनाया गया है, आप ये लाइव तस्वीरों में देख लें। इस वक्त जो छानापुरा से गाड़ी आती है उन्हें ये रूट इख्तियार करने को कहा गया, और ये ट्रायल बेस पर फिलहाल वक्ती तौर रखा गया है। ट्रैफिक पुलिस का जितना भी अमला है वो बाकायदा तौर पर इस बात को गौर फिक्र कर रहा है कि किस तरीके से लोगों को किस क्या चीज़ें जो है फॉलो अप करनी है, और किस तरीके से ये कंजक्शन या फिर जाम वगैरह जो है वो हटाया जाए। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त ये नटीपुरा से जो है एक नया रूट बनाया गया है, इस लोगों को अब यही इख्तियार करना है। और जो वहाँ से यानी कि बुरजल्ला या फिर जहांगीर चौक से गाड़ियाँ आती हैं, या फिर इसी के साथ साथ अगर बात करें जो रामबाग से गाड़ियाँ आती हैं, उन्हें एक पर्लर लाइन दी जा रही है, यानी कि एक सिंगल लाइन, वहाँ से वो आराम से सफ़र जो है वो तय कर सकते हैं। तो जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, अच्छी खबर है श्रीनगर के तमाम आम शहरियों के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो कि इस चीज़ का हमेशा फेस करते थे, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन हो, स्टूडेंट्स हो, तालिबे इल्म हो, या फिर मुख्तलिफ ऐसे लोग हों जो कि इस रूट को अख्तियार करते थे मगर इस रूट के बारे में सोचकर भी जो है बहुत ही ज़्यादा डरते थे। मगर अब ये खुशखबरी उन लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी तरह ऐसे लोग हैं जो बधाई भी दे रहे हैं, और ये ट्रैफिक पुलिस का अमला जिस तरीके से आपको बता दूं कि काम कर रहा है, इस वक्त ये ट्रायल बेस पर जो है दिखा रहे हैं कि कौन सा रूट जो है अख्तियार करना है, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में। जितने भी देखने वाले हैं अपना रद्दोअमल ज़रूर रखिएगा, दिखते रहिए न्यूज़ इंटरसेप्टर, रिजवान खान कुरैशी के साथ।